सबसे पहली कार थी जो कि एयरफोर्स में लाई गई थी। इंडिया ने टैंक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसका नाम था सेटलर्स टू एम। 1400 किलोमीटर की स्पीड है और एक मल्टी रोल है। वॉर में जो बॉम्ब यूज होते हैं वो ये यूज होते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम लोग आ चुके हैं एक बहुत ही धावती जगह में जो है एक एयरफोर्स म्यूजियम। गाइस, अब हम लोग लेने जाएंगे टिकट, फिर करेंगे खूब मजे। सबसे पहले मिलेगा लेजर गाइड मिसाइल। ये एयर टू सरफेस मिसाइल, ये ऊपर से जमीन पे मारने के लिए होती थी यूज। वो जो है वो हवा पे मारती थी, ये जमीन पे मारती है। इसकी जो स्पीड है वो है 1400 किलोमीटर की स्पीड है। गाइस चलो आ जाओ और अंदर एक्सप्लोर करते हैं। जो है ये एक रडार है, ये पता करता है कि कोई एनिमी का प्लेन हेलीकॉप्टर, तो फिर ये उनको डिटेक्ट कर लेता है। ये ब्रिटेन B-24 है। ये यूज आया था इंडिया और पाकिस्तान की वॉर में, ये क्योंकि ये खूब सारे बॉम्ब कैरी कर सकता है। भाई साहब कम से कम 100 तो कर ही आता। हेलीकॉप्टर है, मेरे को वैसे तो पता ही नहीं था कि इसके पंख कितने बड़े बड़े होते हैं। और एक मल्टी रोल है, ये कुछ भी कर सकता है। ये अगर कहीं पर फाइट हो रही है, ये वहाँ पर गन्स बचा सकते हैं, बॉम्ब बचा सकते हैं। अगर कहीं पर बाढ़ आ गई तो फिर वो तो फिर वो लोगों को बचा लेगा। गाइस मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कभी बॉम्ब देखा है? यह है बॉम्ब। वॉर में जो बॉम्ब यूज होते हैं वो ये यूज होते हैं। भाई साहब इंडिया ने पाकिस्तान के जेट्स को ऐसे मार दिया था। और यहाँ पर टैंक भी है जो कि इंडिया ने टैंक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ पर भी वही है और यहाँ पर एक प्लेन भी रखा है जो कि डिस्ट्रॉयड है। गाइस इंडिया ने पाकिस्तान को फोर में हरा दिया था, तो फिर यहाँ पर सब कुछ पार्ट्स पड़े हुए हैं। वहाँ पर बॉम्ब्स हैं, यहाँ पर एक टैंक है। गाइस हम लोग तो अभी बाहर ही शूट किया, अब हम लोग जाएंगे हैंगर के अंदर जो कि बहुत ही एक्साइटिंग है। गाइस ये फाइटर जेट जिसका नाम है मारुति, और ये इंडिया ही ने बनाया। और ये वन मैन सीट है, मतलब यहाँ पर सिर्फ इसे एक ही मैन ही बैठ सकता है। और यहाँ पर सीढ़ी लगाई जाती है। गाइस ये फोर्ड की कार है, ये सबसे पहली कार थी जो कि एयरफोर्स में लाई गई थी। इसके सारे टॉप ऑफिसर बैठ के कहीं पर भी जा सकते थे। अरे बहुत ही मजेदार है, मेरे तो मन कर रहा है इसके अंदर बैठ जाऊँ।
गाइस एक प्लेन है छुटकू सा जिसका नाम है ओखा। गाइस ये जापान में बनाया और ये इतना छुटकू सा है इसे तो, और ये वन सीटर है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर अभी कर दो। गाइस ये जो है ये है मेक 21। ये ज्यादा लंबा ही होता है और इसके अंदर बहुत फ्यूज भी होता है और ये बहुत तेज है। इसकी जो स्पीड है वो है 2000 किलोमीटर। खूब सारे मिसाइल भी कैरी कर सकता है 100-200। देखो वहाँ पर एक फ्लमी भी है। हाँ और हाँ ये बॉम्ब भी कैरी कर सकता है जो कि हमने बाहर देखे थे ना। गाइज मैं होप करता हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो फिर मैंने आपको पूरा म्यूजियम दिखा दिया और सारे बच्चों सुन लो, देखो आप अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर जरूर आना क्योंकि छुट्टियों में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही मजा है। गाइज मैंने इस व्लॉग को बनाने में बहुत मेहनत की, तो मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, बहुत ही मजेदार होता है मेरे चैनल। और तब तक के लिए डू लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।